हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। अक्सर ये क्वेश्चन हमको परेशान करता है। मैं जब भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लास में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जो हमारा कूलम्ब फ्लो होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है वो 1/r² के ही प्रोपोर्शनल क्यों होता है। मतलब आपने जब भी कूलम्ब लॉ या ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक चीज जरूर देखी होगी कि दो चार्जों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है। अब जैसे ये हमारे पास दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2, इनके बीच में आपका कूलम्स लॉ वर्क करेगा, जो होता है हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये हमारे पास होता है। और उसके बाद आप देखोगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको ये चीज बताने आया हूं, मतलब हमेशा जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके 11th 12th के स्टूडेंट्स हो या आपके यहाँ पे BSc करने वाले स्टूडेंट्स हो या आपके MSc करने वाले स्टूडेंट्स हो या इवन कोई भी अगर यहाँ पे फिजिक्स पढ़ता है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कूलम्स ने क्यों यहाँ पे 1/r² का यूज किया, क्यों नहीं उसने यहाँ पे 1/r, 1/r³, 1/r⁴ इन सबका यूज किया। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज ली हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये हमारे पास एक सोर्स है और यहाँ पर आपके पास एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब इस चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये जो भी हैं आपकी, ये आप दिखाई दे रही हैं, यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से क्या कर रही है, पार हो रही है ना। तो ये आपकी फील्ड लाइन निकल रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने इनके रास्ते में कुछ विंडो लगा दी, यानी कि कुछ मेरे यहाँ पे इनके रास्ते में एरिया बना दिए, ठीक है, जिसमें से ये फ्लक्स आपका पास कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एरिया ये है, इसमें से कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, एक एरिया मेरा ये है, इसमें से कुछ फील्ड लाइन पास हो रही होंगी। और ये जो हमारे पास एरिया है, ये आपका इस सोर्स से r डिस्टेंस पर है, ये वाला एरिया इससे r डिस्टेंस पर है, ये आपका 2r डिस्टेंस पर है और ये आपका 3r डिस्टेंस पर है। तो आप देखेंगे इससे जो हमारी फोर्स फील्ड निकल रही है, तो आप यहां से देखो कि इसके अंदर से फोर्स वाली फील्ड निकल रही है, तो यहां से मान लीजिए आपका फोर्स इसमें से बाहर निकलना है और इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया हमारे पास A3 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एरिया A1 है, A2 है और हमारे पास यहाँ पर A3, ये सब एरिया है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहां पे जो मेरा फोर्स है, आप देखेंगे जैसा जब जितना हमारा एरिया छोटा है, देखो यहां पर एरिया आपका छोटा है, यहां पर एरिया आपका छोटा है, यहां पे एरिया आपका छोटा है, तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है, भाई डेंस है यहां पे ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि भाई कि जो हमारा फोर्स है, यहां पे अगर मैं लिखू कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास ए है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एरिया हैं, तो अगर हम इन तीन एरिया को देखें तो यहाँ पर आप देखो A1 है, मेरे पास A2 है, मेरे पास A3 है और ये जो एरिया का क्या है, ऑर्डर है, सबसे छोटा एरिया A1 है, उससे बड़ा एरिया A2 है और सबसे बड़ा एरिया आपका A3 है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कि यहाँ पे आपका एक कोन, ये आपके एक कोन टाइप की शेप बन रही है, तो यहाँ पर आपका एक एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी एंगल को हम बोलते हैं आपका सॉलिड एंगल। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, तो ये हमारे पास है आपका एक सॉलिड एंगल, इसको हम यहाँ पर आपका सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक आपका सॉलिड एंगल है। अब बात आती है कि सर सॉलिड एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने सॉलिड एंगल को लेके आया हुआ हूं। तो आप देख सकते हैं सॉलिड एंगल को हम यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, कुछ एरिया है, ये इस गोले का कुछ एरिया है और ये जो एरिया है ये इससे इतना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, आपका सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की जो डिफाइन होती है वो, अब देखो ये अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हम यहाँ पे सॉलिड एंगल है, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, तो वो होगा DA/r², ठीक है। तो और आपको पता है कि ये हमारे पास स्फीयर का एरिया है, तो ये हो जाएगा 4π r² इस तरीके से। तो यहां पर
ये आपका इस तरीके से निकल के आता है। तो अब ये यहां पर आपका क्या बनेगा, तो सॉलिड एंगल इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए, इसके लिए, सबके लिए सेम होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो सॉलिड एंगल है ओमेगा वन, ओमेगा टू और ओमेगा थ्री, ये इन सब के लिए क्या होने वाला है, कांस्टेंट है। ये इन सभी के लिए यहां पर क्या है दोस्तों, आपका कांस्टेंट है। ये सभी इन के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमको ये पता है कि जो मेरा ओमेगा होता है वो आपका ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, और चूंकि जो हमारा ओमेगा है वो कांस्टेंट है, चूंकि यहां पे जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो मेरा एरिया हो गया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। इससे हमारा एरिया क्या निकल के आया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो हमारा एफ होता है, हम जानते हैं जो हमारा एफ होता है, हम जानते हैं जो हमारा एफ होता है, तो अब हमको पता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो वन अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जो मेरा फोर्स है दोस्तों वो वन अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी, जो मेरा फोर्स है वो, अभी हमने पीछे देखा कि जो मेरा फोर्स है वन अपॉन ए के बराबर है, तो फोर्स मेरा वन अपॉन ए होता है। तो डेट्स वाई अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी से हमारे पास ये चीज निकल के आती है कि जो मेरा फोर्स होता है वो वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों हम कूलम्स लॉ के अंदर या न्यूटन्स के जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अंदर हम आर स्क्वायर का यूज करते हैं, तो वो इसी से यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी इसकी जो डेफिनेशन है मार्केट में पड़ी हुई है, वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज बताई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली ये बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हुआ। जितना एरिया छोटा होगा उसमें से उतने ही फोर्स फील्ड लाइन आपकी पास होंगी, वहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी उस फोर्स फील्ड लाइंस की, इसीलिए आपका जो एफ है इस प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया छोटा फोर्स ज्यादा, एरिया छोटा फोर्स ज्यादा। अब ये जो एरिया निकल के आया ये कहां से निकल के आया, सॉलिड एंगल से, क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिड एंगल बना रहा है और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब चूंकि आप इसमें कितने भी यहाँ पे एरिया बना लीजिए उन सबके लिए सॉलिड एंगल सेम रहने वाला है, उन सबके लिए सॉलिड एंगल सेम रहने वाला है, तो दैट्स वाई जो हमारा सॉलिड एंगल है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। और अगर सॉलिड एंगल कॉन्स्टेंट है तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और हमको पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए, तो हमने वहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो इससे हमको ये पता लगा कि जो कूलम्स लॉ है यानी कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसी टाइप के कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ने हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर आई आई टी जैम में एक बहुत ही बढ़िया पैच लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मैं यहाँ पे, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, चाहे आपका मॉडर्न फिजिक्स हो, या आपका एस एस पी हो, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या आपका मैथमेटिकल फिजिक्स हो, मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट खोल के रख दूंगा। ठीक है, हम पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो क्वेश्चंस तो आप लोग फिर कर ही लोगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर हम आपके लिए यहाँ पर एक न्यू बैच लेके आ रहे हैं 5 अगस्त से। आपने बिल्कुल सही चुना, 5 अगस्त से हम आपके लिए यहाँ पर एक न्यू बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन बैच। तो आप इस सिलेक्शन बैच के अंदर आके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो और इस बैच के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 70% का ऑफ। आपने बिल्कुल सही सुना, हम यहाँ पर आपको 70% का ऑफ दे रहे हैं, और आप हमारा कोड IFA70 का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ बच्चे ये भी हैं कि सर हमको फ्री में कुछ चीजें चाहिए, तो फ्री के लिए भी आपके लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो आप IFS की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो उसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, फ्री प्राइम क्लासेस मिल जाएंगी, जो आपके लास्ट ईयर के PYQs है वो आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे एग्जाम्स का सिलेबस हो, एग्जाम्स पैटर्न हो, एग्जाम्स कट ऑफ हो, आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने आने वाले क्लासेस में, और मैं आशा करता हूं कि आप सिलेक्शन बैच के अंदर जरूर से एनरोल करेंगे। ठीक है, आप इस ऐप के अंदर जरूर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने आने वाले क्लासेस में, और याद रखें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं, और ये बताना है आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है, बाय बाय।